लियो राशि के लिए धर्म करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए ये अच्छा साल है। तो अभी जब फर्स्ट क्वार्टर है उसमें थोड़ा अपना रिलीजियस मैटर जितना है वो निपटा लीजिए, तीर्थाटन करना, यात्रा करना, आश्रम जाना, ये सब कर लीजिए। जो गुरु का नेक्स्ट ट्रांजिट है वो ट्रांजिट फिर थोड़ा वर्क पर प्रेशर देगा, मतलब कि वर्क के लिए अच्छा है प्रेशर, मतलब कि मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, वो काम के लिए फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर ठीक हो जाएगा, धन की भी वृद्धि करेगा, कॉम्पिटिशन को भी खत्म करेगा, क्योंकि शनि सप्तम से ट्रांजिट कर रहे हैं। ये टाइम पर थोड़ा सा एक फियर जैसा तो रहेगा, आप बहुत ओवर प्लानिंग में जा सकते हैं। सो ओवर प्लानिंग, थोड़ा सा ओवर प्लानिंग से बचना चाहिए। तो अभी स्थिति ऐसी बन रही है लियो की प्लानिंग बहुत हो रही है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं है क्योंकि सैटर्न लग्न पे देखते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेट कराते हैं, तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा। बृहस्पति का ट्रांजिट अभी भी ठीक है, आने वाला ट्रांजिट भी कंपेरेटिवली बेटर है क्योंकि वो सूर्य के मित्र है। बट अगर आप किसी लीडरशिप पोजिशन पे बैठते हैं तो 2024 स्पेसिफिकली बहुत अच्छा समय नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में डील करने के लिए। सो योर सबॉर्डिनेट्स कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ नॉट कॉन्स्पिरेसी, बट जैसे मान लो आपका सबॉर्डिनेट इनएफिशिएंट ही आ गया तो क्या करो, कि इनएफिशिएंट सबॉर्डिनेट है जो आपका चेंज हुआ, या फिर आपका जो मेन सर्वेंट था, या फिर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपका जो, या आपका बिजनेस है तो जो आपका मेन एम्प्लॉय था वो छोड़ गया आपको। सो इस तरीके के सैटर्न से संबंधित कुछ तकलीफें मैं देखता हूँ लियो के लिए। ओवरऑल गुड है, इन चीजों को देखना है। ओम नमो नारायण ये मंत्र करना है, ओम नमो नारायण भी करना है और ओम नमः शिवाय भी करना है, ये दो मंत्र है। अगर आप फाइनेंशियली बात करते हो आई थिंक इट इज अ गुड ईयर, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ मतलब आजकल तो ऐसे टाइम है कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो सिंह लग्न वाला कोई व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है कि सावधानी क्या रखना है, सावधानी रखना है शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी, सो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना। और दूसरा यह है कि बहुत रात तक जगना नहीं, ये दो चीजें नहीं करनी। रात में इंटरनेट और ये सब जो है वो ये कहानी नहीं करनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना, क्योंकि रात जैसे ही आएगी आपका चिंता का भाव चालू हो जाएगा।